मजहबी फिरकावारियत, सियासी फिरकावारियत, मुआशी फिरकावारियत, इसने पाकिस्तान को तबाही के ताने पे पहुंचा दिता है कि जिथे सिवाय दुआ तो शायद हो कुछ ना हो। दुआ करो अल्लाह करीम इस खिते को अपनी हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। आमीन। एक खिता बड़िया मेहनत के नाल, बड़िया कुर्बानियों के नाल हासिल किया गया है। इस खिते की खातिर, पाकिस्तान के हुसूल की खातिर जितनिया कुर्बानियां दितियां गई ने, जितने बच्चे जिबा हुए ने, जितनिया बच्चिया की इसमत दरी हुई है, जितने बुजुर्गों की शहादत हुई है, जितने जवानों की शहादत हुई है, काश असी थोड़ा जा उस लम्हे को सामने रख के अज पाकिस्तान के अंदर अमन की खातिर कुछ अपना किरदार अदा करने की खातिर अपना हिस्सा पाई। मैनू खुशी हुई है कि पीर सैयद आसिफ अली शाह साहब बैन मसाइब अमन कमेटी जिला गुजरात के वाइस चेयरमैन बन गए। इस वक्त जरूरत है कि मुख्तलिफ मजाहिब के लोग, मुख्तलिफ मसारिक के लोग मिल बैठे, जिस तरह तहरीके पाकिस्तान के अंदर इकट्ठे हुए सन। तहरीके पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिलसिला नहीं सी कि ए फलाएं ए फलाएं ए फलाएं, सारे इकट्ठे होके सब का एक ही नारा सी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सब का ही नारा सी। और इस नारे को लेके अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मैदान अमल में आए।